बैठो बैठो। क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है ना? इतनी इमरजेंसी में क्यों कॉल की है? तुम्हें पता है पापा ने दूसरी शादी कर ली है? इतनी सी बात थी बस? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? कुछ उठाओगे तुम्हारे सर पे मारूंगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। रिलैक्स रिलैक्स, लोग बैठे हैं यहाँ पे, बताओ। एक एक करके वो मेरी मामा की हर चीज पर कब्जा कर लेंगे, फिर पापा, फिर हमारा घर। और तुम्हें पता है पापा ने मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले ब्रेकफास्ट पर या डिनर पर मिल लेते थे, मगर अब पापा कहते हैं कि बेटा डिनर कर लेना। मामा और पापा के साथ हमेशा डिनर करती थी, मगर अब कैसे कर सकती हूँ? मामा की डेथ के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को संभाल लूं, अकेले रहने की आदत डाल लूं, लेकिन पापा ने इस वक्त मुझे संभाला, उन्होंने ख्याल रखा। मगर जब से उनकी शादी हुई है, मुझे तो लगता है शायद वो भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। मगर तुमने भी तो गलत किया ना, उनका ड्रेस ही जला दिया तुमने। वो मेरा और मेरे पापा का घर है, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी मामा की किसी भी चीज को हाथ लगाए। अच्छा छोड़ो छोड़ो सब कुछ, आंसू पोंछो अपने। खाने में कुछ लोगे? ऑर्डर करो कुछ। मुझे नहीं खाना। अरे थोड़ा सा खा लो ना।